ये आपके पास इनवर्स ठीक है एक फंक्शन दिया गया है और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में एक्सप्रेस करना है आपको, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल जो भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपके पास है इसका कोई करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट सोचना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन, ताकि ये सिंप्लीफाई हो सके। अब सोचिए कि यहाँ क्या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ये स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसी तरह से हट जाए, तो आप सोचिए कि कुछ आपको आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, 1 - sin² θ ये क्या होता है cos² θ, फिर 1 - cos² θ क्या होता है sin² θ, इसी तरह से आपका sec² θ - 1 क्या होता है tan² θ और cosec² θ - 1 क्या होता है आपका cot² θ, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, अब आप गेस करिए कि ऐसा हम क्या रख दें, यहाँ पे x सोचिए साइन थीटा रखें, कॉस थीटा रखें, सेक थीटा रखें या कोसेक थीटा रखें, क्या ऐसा रखें कि ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए, ठीक है। तो देखिए अगर ये रखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये x² - 1 है तो वो स्ट्रक्चर यहाँ मिल रहा है आपको, ठीक है, तो ये तो रिजेक्ट होते हैं, इनको तो हम लोग नहीं प्लेस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये चॉइस है, अगर आप इसको सेक थीटा प्लेस करते हो, सेक थीटा प्लेस करते हो एक्स को, तो sec² θ - 1 क्या हो जाएगा tan² ये ओवरऑल tan² आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सिर्फ tan θ रह जाएगा। अच्छा सेकेंड अल्टरनेटिव आपके पास ये भी था कि cosec θ प्लेस कर दीजिए, और cosec θ प्लेस करेंगे तब भी आपका cosec² - 1 क्या हो जाएगा cot² और फिर आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो दोनों ही चॉइस है आपके पास, या तो ये प्लेस करिए या तो ये प्लेस करिए, ठीक है। तो चलिए हम एक प्लेस करते हैं, से पहला प्लेस कर देते हैं, ठीक है, दोनों से ही आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा, स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खैर तो देखिए, लेट x इक्वल्स टू क्या था हमारा sec θ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, अच्छा अगर x sec θ है तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ से sec इनवर्स x, यहीं पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ दें। नाउ क्या लिख लेते हैं, जो क्वेश्चन है इट बिकम tan इनवर्स ऑफ 1 upon √sec² θ - 1 क्या हो जाएगा आपका, इट बिकम tan इनवर्स ऑफ 1 by √tan² θ, और tan² θ क्या होता है आपका, इट कम्स आउट टू बी 1 by tan θ² हट जाएगा आपका, लेकिन 1 by tan θ, ठीक है, क्लास 10th में क्या होता था रेसिप्रोकल रिलेशन cot θ। अब क्या करें हम लोग, यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ cot आ गया, ठीक है, अगर यहाँ पे tan रहा होता तो आप क्या करते tan इनवर्स ऑफ tan x लिख देते, लेकिन यहाँ पे तो cot आ गया, अब क्या किया जाए। तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, चलिए आप हम आपको दोनों बता देते हैं, है ना, या इस जगह से आपको निकलने के दो रास्ते हैं। पहला तरीका है कि अगर हम इस cot को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, किसमें tan में, तो cot क्या होता है cot θ को tan 90 - θ लिख सकते हैं, तो इट कुड बी रिटेन एज ए tan इनवर्स ऑफ tan π/2 - θ, ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स ऑफ tan x, x हो जाएगा, तो ये π/2 - θ आ गया, और थीटा क्या था आपका यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज sec इनवर्स x। लेकिन दूसरा तरीका क्या था, ठीक है, इस स्टेप से बचने का या इस स्टेप से निकलने का, कि आप बाहर वाले tan इनवर्स को cot में कन्वर्ट कर दीजिए, वो क्या होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, या tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, मतलब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2, तो इसको आप लिख सकते हो π/2 - क्या लिख सकते हो cot इनवर्स ऑफ वॉट एवर, अंदर जो भी है cot θ है, ठीक है, ये लिख सकते हो, फिर आपका क्या हो जाएगा, ये तो cot इनवर्स ऑफ cot θ हो जाएगा, तो यहाँ θ लिख दो, ठीक है, देखिए यहाँ पे आप पहुँच गए, और यहाँ के बाद तो वही करेंगे हम लोग π/2 - sec inverse x, ठीक है। तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ से आपके पास दो रास्ते थे, या तो इसको फॉलो कर लीजिए या तो फिर इसको फॉलो कर लीजिए, कुछ किसी एक को फॉलो करिए,
आप जो सिंप्लीफाइड वर्जन आपका होगा वो आइडेंटिकल होगा दोनों ही हालात में, ठीक है। और अच्छा, शुरू में जो हमने कहा था सब्सटीट्यूशन क्या, एक्स इक्वल्स टू सेक थीटा हमने सब्सटीट्यूट किया था। आप कोसेक देख रख के आप प्लेस करके देखिएगा कि वहाँ पे सिस्टम जो आगे प्रोसीड करेगा वो हम कैसे करेंगे, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो पाई बाई टू माइनस सेक इनवर्स थीटा, तो सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स क्या होते हैं आपके, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनल जो सिस्टम है वो यहाँ आके कंप्लीट होता है। तो ये जो आपका था टेन इनवर्स ऑफ, क्या था आपका, टेन इनवर्स ऑफ वन बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये किसके इक्वल आ गया, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स के इक्वल आ गया।